नमस्कार दोस्तों, मेंस कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी पेपर 3 में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या था ये एक्ट? किसी भी एक्ट को जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक होता है। तो देखिए, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को जनरल कोर्ट कहा गया, यानी सामान्य मंडल, जनरल कोर्ट। तो सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत आए उनको सामान्य मंडल कहा गया। ठीक है, अब देखिए कि 1661 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्रों में, अपने ट्रेड सेंटर्स में गवर्नरों की नियुक्ति कर दी। तो गवर्नरों की नियुक्ति होना शुरू हो गई 1661 में। भाई देखिए, कोई भी एक केंद्र है उस पर यदि आपको अपना नियंत्रण स्थापित करना है और वो व्यापारिक केंद्र है, यानी व्यापार का मामला है, पैसे का मामला है, तो वहां पर गवर्नर की नियुक्ति करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं सामान्य मंडल में से गवर्नर्स की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। तो 1661 में अलग अलग व्यापारिक केंद्रों में आप देखेंगे कि गवर्नरों की नियुक्ति हो जाती है। अच्छा, यहां 1726 तक आते आते 1726 तक आते आते तीन महत्वपूर्ण प्रांत बन करके उभर करके सामने आए। ये कौन कौन से प्रांत थे आप देखेंगे, ये तीन प्रांत जैसे ही मैं यहां बनाऊंगा आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से प्रांतों की बात कर रहा हूं। यहां पर आप समझ पा रहे होंगे, यहां पर आप समझ पा रहे होंगे और यहां पर आप समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है आपका बंगाल, ये है आपका बॉम्बे, आज इन दोनों का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है ना, और यह है आपका मद्रास, इसका भी नाम अब चेन्नई हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि ये वेस्ट बंगाल हो चुका है, ये मुंबई हो चुका है और ये चेन्नई हो चुका है। और बेसिकली जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली कलकत्ता की हम बात कर रहे हैं, उस समय आज का कलकत्ता और कल का कलकत्ता। ठीक है, तो कल का कलकत्ता और आज का कोलकाता, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। जो बंगाल प्रांत हम दिखा रहे हैं वो बेसिकली कोलकाता है, ठीक है, जिसको हम पहले कलकत्ता कहते थे। तो अब ये तीन सेंटर से स्थापित हुए और इनमें एक ही खास बात थी कि तीनों के तीनों जो थे वो सी रूट से, यानी समुद्री सीमा के पास में थे। और उस समय आवागमन के लिए समुद्र का ही इस्तेमाल होता था, उस समय टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था कि एरोप्लेन्स की हम बात करें, तो समुद्री मार्ग से यदि हम समझने का प्रयास करें तो जहाजों के माध्यम से आवागमन होता था। और उस समय जितना भी व्यापार होता था बड़े बड़े जहाजों में भर करके सामान आवागमन होता था, यानी हमारे यहां से रॉ मटेरियल, कच्चा माल ले जा करके अपने उद्योगों में अंग्रेज क्या करते थे, पका माल यानी फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और उनको भारत के बाजार में ही ला करके बेच दिया करते थे। इसलिए कहते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस सोने की चिड़िया को, जिस सोने की चिड़िया को जो अंग्रेज थे उन्होंने लोहे की चिड़िया बना दिया, कहने का मतलब यह है कि हमारा धन धान्य जो था, धन और धान्य दोनों को मिला करके सोने की चिड़िया कहते हैं, और इसको अंग्रेज लूट करके ले गए। उपनिवेशवाद के तहत उन्होंने पूंजीवाद की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो देखिए अब ये जो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही, जो तीन सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें 1726 के अंदर तीन सेंटर्स में जो तीन गवर्नर थे ये प्रमुख रूप से सामने आए। और इसलिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ने लगा। कैसे पावर बढ़ने लगा कि 1757 में इन्होंने बंगाल पर विजय हासिल की प्लासी की लड़ाई से। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई, यहां एक महत्वपूर्ण वाकया यह हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 160 कर्मचारियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। कहां? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, एक छोटे से कमरे में जहां मुश्किल से लगभग 10 लोगों के
घुसने की जगह थी वहां 160 लोगों को बंद कर दिया, मतलब बिना खाना के बिना पानी के, मतलब बर्बर स्थिति पैदा कर दी बंगाल के नवाब ने इनके लिए, और इसमें से लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो गई। तो अंग्रेजों को बड़ा खराब लगा और अंग्रेज बड़ा दिल पे लेने वाले लोग थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्लासी की लड़ाई तो जीती ही जीती। अब आप देखेंगे ये फोर्ट विलियम, आप याद रखिएगा फोर्ट विलियम में एक महत्वपूर्ण चीज हुई, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1760 में वॉन्डी वॉश की लड़ाई में अपने चिर प्रतिद्वंदी किसको, फ्रांस को इन्होंने हरा दिया, ठीक है ना, फ्रांस को इन्होंने हरा दिया। अब वॉन्डी वॉश की लड़ाई में फ्रांस को हरा दिया, कहने का मतलब यह है कि एक जगह प्लासी की लड़ाई जीती और वॉन्डी वॉश में फ्रांस को हरा दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक मजबूत स्थिति में आ गई थी, और जब कोई आपके सामने वाला व्यक्ति या जो आपके द्वारा ही भेजा गया व्यक्ति जब वो आगे बढ़ने लगता है तो फिर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर आप उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, फिर आप उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा, यानी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा, यानी ब्रिटेन की संसद के द्वारा क्या लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। तो ध्यान से देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए 1726 में तीन प्रमुख व्यापारिक प्रांत बनकर के सामने आए थे, कौन कौन से, आपका बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, यानी तीनों के गवर्नर की लगभग लगभग सेम शक्ति थी। लेकिन 1773 में देखिए क्या होता है कि जब आपको रेगुलेट करना होता है तो आपको एक व्यक्ति को कैप्टन बनाना पड़ता है, जो आपका ऑर्डर फॉलो करे, जो आपकी बात माने और जो आपके निर्देशन पर काम करे। इसलिए रेगुलेट करने के लिए जो सबसे पहला प्रावधान है वो क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए ये उपाधि पूरी है, सिर्फ गवर्नर जनरल की उपाधि नहीं है, ये उपाधि पूरी है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो याद रखेंगे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पूरी उपाधि थी, ठीक है। और ऐसे पहले गवर्नर कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप देखिए यहां पर एक बात समझिए कि भाई बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनेगा, यानी वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग। अब सीधी सी बात है कि यदि एक व्यक्ति को आप ताकत ज्यादा दे देंगे तो दो व्यक्तियों की ताकत अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसलिए आप यहां पर देखिए कि बंगाल की शक्ति आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अब बॉम्बे और मद्रास के जो प्रांत थे, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, अब किसके कंट्रोल में आ जाएगी, बंगाल के कंट्रोल में आ जाएगी, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को क्या करेगा, नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि पहला पॉइंट तो हो गया बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, दूसरा पॉइंट ये कि अब बंबई और मद्रास के गवर्नर किसके अधीन आ जाएंगे, गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण में होंगे। भाई सीधी सी बात है कि तीन दोस्त थे, ठीक है, एक दोस्त को कैप्टन बना दिए, तो सीधी सी बात है कि जो बाकी जो दो दोस्त हैं उनकी पावर क्या हो गई, अपने आप कम हो गई, वो इसके नियंत्रण में आ गए, ठीक है ना। सबके अपने अपने पावर रहेंगे, इनके बंबई में पावर रहेंगे, इनके मद्रास में पावर रहेंगे, लेकिन किसके नियंत्रण में अब ये काम करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में काम करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि फोर्ट विलियम में अंग्रेजों को क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान्य मंडल को क्या किया गया था, इस सामान्य मंडल को लेकर के एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि इसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसी फोर्ट विलियम में 1773 में, इसी फोर्ट विलियम में 1773 में अंग्रेजों ने
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और देखिए कोई भी एक्ट के अंदर कोई भी चीज होती है तो उसको होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक साल बाद यानी 1774 में इन्होंने फोर्ट विलियम में, जहां इनके दोस्तों को, जहां इनके सामान्य मंडल को मारा गया था, जो घुट घुट के इनकी मृत्यु हुई थी, वहां फोर्ट विलियम में इन्होंने किसकी स्थापना की? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, इसके अंदर आपके एक मुख्य न्यायाधीश थे, जैसे आज हमारे मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है ना, और दो न्यायाधीश थे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि इस एक मुख्य न्यायाधीश का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम था एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने ही चार्टर दिया था, तो एलिजाबेथ के भाई के नाम से आप याद रख सकते हैं, एलिजाबेथ के भाई एलिजा इम्पे। ठीक है, तो एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस थे। ठीक है, 1774 में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो देखिए बिल्कुल एक कहानी की तरह चल रहा है, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग, और सीधी सी बात है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो बंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन हो गए। ठीक, तीसरी चीज, 1774 में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, वहीं जहां सामान्य मंडल को क्या किया गया था, घुटा घुटा करके मार दिया गया था। और इसलिए जो चौथा प्रावधान है आप देखिए यहां पर कि अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था कि कंपनी के शासन को ब्रिटेन के द्वारा नियंत्रित करना, कंपनी के शासन को ब्रिटेन के द्वारा क्या करना, नियंत्रित करना, रेगुलेट करना। और इसलिए अब कहा गया कि जो व्यापारिक कार्य हैं, व्यापारिक कार्यों में जो सामान्य मंडल है उसी में से एक चुना गया, क्या, निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सामान्य मंडल में से किसको चुना गया, निदेशक मंडल को चुना गया, यानी निदेशक कोर्ट को चुना गया। और ये निदेशक कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक कोर्ट को चुना गया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब क्या करेगा, व्यापारिक जो कार्य होंगे उनको संभालेगा। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ना सिर्फ व्यापारिक कार्यों बल्कि राजस्व, सिविल और मिलिट्री, याद रखेंगे ये व्यापारिक कार्य तो संभालेगा ही, खासकर व्यापारिक कार्यों के साथ साथ राजस्व, सिविल और मिलिट्री के जो भी मुकदमे होंगे, जो भी इसकी चीजें होंगी उसकी रिपोर्ट ब्रिटेन को देगा। ठीक है, तो दो कार्य हैं, एक व्यापारिक कार्य संभालना और दूसरा राजस्व, सिविल और मिलिट्री जो कार्य हो रहे हैं कंपनी के, उसकी रिपोर्ट किसको देना, ब्रिटिश संसद को देना, यानी सीधा सीधा ब्रिटेन की महारानी को देना। और अब क्योंकि व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल की स्थापना हो गई थी, इसलिए प्रशासनिक कार्यों के लिए, भाई किसी को कैप्टन बनाते हैं, कैप्टन बनाते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, तो फिर इसके नीचे 2-3 सब कैप्टन रखते हैं, ठीक है ना, तो वैसे ही सब कैप्टन के रूप में प्रशासनिक कार्यों के लिए एक कार्यकारी परिषद की गठन किया गया, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये 4 सदस्य थी, यानी इसमें गवर्नर जनरल को मिलाकर के 4 सदस्य थे, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद कहलाएगी, क्या कहलाएगी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। ठीक है, एक कार्यकारी परिषद जो गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेगी, जो गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यकारी परिषद, भाई सीधी सी बात है कैप्टन बनाए तो उसकी पावर बढ़ाएंगे, प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यकारी परिषद है, व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो राजस्व, सिविल और मिलिट्री मामलों पर किसे, ब्रिटेन की संसद को रिपोर्ट देने का कार्य करेगी। अगला, सामान्य मंडल को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, सामान्य मंडल को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत, इसको हम इंग्लिश में ब्राइब कह देते हैं, ब्राइब लेने से मना किया गया। ठीक है, ब्राइब लेने से मना किया गया कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है और किसी ने भी क्या लिया, ब्राइब लिया। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ, आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।